हेलो एवरीवन, मैं सर आशीष शर्मा एंड आई एम फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट। देखिए, इस जगह के ऊपर अब मैं कुछ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स बनाता हूँ। जैसे कि आप अपनी ईमेल ओपन करते हैं तो आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन आती है कि कितनी इनबॉक्स के अंदर पड़ी है, कितनी डिलीटेड हैं, कितनी आउटबॉक्स के अंदर है, कितनी स्पैन है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होती है। चलिए, अब उस वो किस तरह से वर्किंग होते हैं ये आपके सामने मैं दिखाता हूँ। हमने जो यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट ली है, सबसे पहले लिस्ट का एक ग्रुप बना दिया जिसके अंदर हमने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली। जैसे कि आपको पता है यूएल और एलआई होते हैं, उस यूएल को हमने एक बेच के अंदर डाल दिया, एक ब्लॉक के अंदर। अब हमने अपना जो लिस्ट का ग्रुप बनाया उसके अंदर ये चीज़ें डाली। अब यहाँ पर हमने नंबरिंग दे दी। देखिए, स्पैन बेच 2 और 5। अब देखिए, ये बेच है आपका राइट 2 और 5 से यहाँ पर अभी आपका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं नंबर लिखे हैं, डजन मैटर के वर्किंग करेगा, ये सब नंबर्स लिखे हैं डिस्प्ले करने के लिए। हम उसकी नंबरिंग चेंज कैसे करते हैं, सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं, ये उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले आप बनाना सीख जाइए। इस जगह के ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने यूएल का ले लेना है। यूएल ले सकते हैं, एलआई अनऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं, ओएल ले सकते हैं, यूएल ले सकते हैं, ये आपके डिपेंड्स है। जैसा आपको वर्किंग करनी है, डॉट्स में करना है, नंबर में करना है, ये आपका प्रॉब्लम है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, आपको सोचना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ग्रुप बना दिया। जो भी आपको लिस्ट का स्टाइल चाहिए, अभी नन है, हम कुछ और लेके चल सकते हैं, मैं वो भी लिख के दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आए, देखिए सबसे पहले मैं इस जगह के ऊपर आया, आपने यहाँ पर रिफ़्रेश किया। देखिए, यहाँ पर आपका इनबॉक्स है, अदर्स है, सेव्ड है, स्टफ है, ओल्ड है। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, इनबॉक्स में 2 हैं। ये 2 और 5 मैंने कहाँ लिखे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2 और 5 मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर मैं यहाँ 2 की जगह आपके लिए यहाँ पर 200 कर दूँ, मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पर गया रिफ्रेश, ये देखिए मैं यहाँ पर नंबरिंग करना चाहता हूँ। अभी आपने यहाँ पे क्या किया था, ऊपर चेक करते हैं इस जगह के ऊपर। मैंने सर्कल दे दिया कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल एस किया, यहाँ पर गए रिफ्रेश किया, हो गया। अब आप यहाँ पे देखे, जो भी आपका काम है, मैंने लिस्ट चेंज कर दी, इनबॉक्स कर दिया, ऐड पेजेस कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, वापस इसको नन करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास कोई नहीं पड़ा, रीज़न मैं बताऊँगा अभी आपको। इस जगह के ऊपर जब अब आप चल रहे हैं, ठीक है, अब आप नीचे थोड़ा सा नीचे मूव होइए, इस जगह के ऊपर आ जाइए लिस्ट ग्रुप के अंदर। ये जो आपने सर्कल लिया था रेड कलर का, ये वही है जो आपके पास नंबरिंग में आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस जगह के ऊपर आपके पास इसको फॉर्मेट को चेंज करूँगा या मैंने ग्रुप की आईडी को चेंज करना है। यहाँ पर हमने ब्लू किया कंट्रोल एस, ये मेरे पास फॉर्मेट कहाँ पे आ गया, गड़बड़ हुई, इसको हमने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे गए और आपने रिफ्रेश किया, ये लीजिए हो गया ब्लू। अगर ब्लू नहीं पसंद है आपको, कलर ज़्यादा डार्क लग रहा है, आप इसको हटाकर आप येलो कर लीजिए और इसको रिफ्रेश कर लीजिए, ले लीजिए आपका एक न्यू वन क्रिएट। तो इस तरीके से आप अपना कुछ भी एक लिस्ट बना सकते हैं काम के ग्रुप्स की, मेरे पास क्या है, ओल्ड में है, न्यू में है, कितनी चीज़ें पेंडिंग है, कितने मैंने अपलोड कर ली, कितनी डाउनलोड कर ली, या फिर कितना रिक्वायरमेंट आ गई, क्या पेंडिंग है, सब कुछ आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।